पटियाला अंबाला रेलवे लाइन के बीच में बसी अमरपुरा बस्ती की संकरी सी गली नंबर 1। कुछ दिन पहले यहाँ तक रहने वाले वशीदे और उनके संगे संबंधी और परिजनों के अलावा शायद ही यहाँ कोई आता जाता होगा, लेकिन आजकल यहाँ आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। इनमें काफ़ी संख्या जो है वो मीडिया वालों की है। यहाँ सभी लोग इस गली के दाहिने हाथ के सबसे आखिरी मकान में आ जा रहे हैं। पटियाला रेलवे लाइन के बिल्कुल साथ जमा कीचड़ के पास स्थित यह गिरी हुई दीवार वाला छोटा सा घर उस बूट पॉलिश करने वाले सनी का है, जो आजकल सोनी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 11 में अपनी धमाकेदार सीधी एंट्री और अपनी प्रस्तुति से देश के करोड़ों लोगों का दिल जीत चुके हैं। घर के दरवाजे पर उनकी माँ गुब्बारों वाली लड़ी लेकर खड़ी हैं। आंगन में एक टूटे हुए सोफे पर सनी का हारमोनियम और ठीक पास ही नीचे उनका बूट पॉलिश करने वाला बक्सा पड़ा है। घर में हाल ही में दो नए मकान बनाए गए हैं, लेकिन अभी प्लास्टर नहीं हुआ, ना बाथरूम ना ही किचन। घर में माँ के अलावा सनी की दो बहनें और बड़ी बहन के दो बच्चे। दिन भर गुब्बारे बेचने या मांग कर लाने के बाद चूल्हे पर खाना बनता था, लेकिन तमाम बुनियादी सुविधाओं से वंचित घर के सभी सदस्यों की आंखें आजकल चमक रही है। जी हाँ, कभी लोग के घरों और शादियों में जा कर के तो कभी शहर भर में घूमकर गुब्बारे बेचकर अपनी जीवन को चलाने वाली सनी की माँ सोमा कहती हैं, बहुत दुख झेले हैं। सनी के पिता नानक की कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर में सैलाब के दौरान उनका निधन हो गया था। वे भी बूट पॉलिश करते थे। अब शायद भगवान ने हमारी सुन ली है, खुशी की कोई सीमा नहीं रही है। सोमा के अनुसार सनी की दादी मीरा और पिता नानक भी शादियों में गाकर खाने का जुगाड़ करते थे। सनी की बहन शकीना भी इसी तरह से ही गाना गाती है। फिल्म अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।